दर्शक बंधु प्रश्नकाल को स्वागत करुच्ची मु लालमोहन। वर्तमान पंचायत बिगुल बाजी सारी आन प्रमुख राजनैतिक दल कहु बीजेडी बीजेपी आउ कांग्रेस छका पंजा आरंभ हो जाए। समस्ते निज निजर रणनीति प्रस्तुत करने आरंभ कर दी कि भितर सब बड़ प्रश्नटी हूँ जहाँ को राज्यवासी जहाँ नजर रही प्रश्नटी हूँ जे जितेबाला 2017 मसीह जिला परिषद फलाफल आसला से बीजेडी रो पल्ला भारी रही थिला। बीजेडी एक नंबर रे रही थिला, बीजेपी दुई नंबर रे एवं कांग्रेस आसी जाई थिला तीन नंबर को, जहार प्रभाव देखिबा को मिलथिला परवर्ती 2019 साधारण निर्वाचन रे। तो वर्तमान पंचायत निर्वाचन आसीबा को जाउछ आ वर्तमान द्विमुखी लड़ाई अर्थात बीजेडी आ बीजेपी कौन हेबो कांग्रेस रो भाग्य कौन एही निर्वाचन रो फलाफल एही जिला परिषद रो फलाफल निर्धारण करिवो कि 2024 रे कहार पल्ला भारी रहिबो कौन रहिबो राजनीतिक समीकरण यारी उपर हमर आज प्रश्नकाल आलोचना राजनीतिर मोड़ आलोचन भाग नौते आम सहित सुरत विश्वाल बीजेपी ओबीसी मोर्चा राज्य सभापति गणेश्वर बेहरा कांग्रेस मुख्य मुखपात्र संजय जेना एडिटर इन चीफ अर्गस टीवी आपण समस्त आलोचना को स्वागत करुच्ची। गणेश्वर बाबू प्रथम आपन को आरंभ करने को चाहिए जे कांग्रेस भाग्य बर्तमान दुर्भाग्य हो जा 95 गोटे स्थिति थिला जेतेबेले बीजेपी रो अवस्था जहाँ थिला वर्तमान 2021-22 रे कांग्रेस वर्तमान सही स्थिति को जीवा को चलिबा को जाउची। ए सुनतु राजनीति रे क्षण क्षण के आनु आज जा घटुची काली तार भिन्न घटना घटी पारे एवं आज जे विजित कालीबद्ध से पराजित हो पारे। तेणु 2017 रे जो फलाफल आसला 2022 रे जे तार पुनरावृत्ति हबो एक कथा सब समय रे माने ग्रहणीय नुहे इला मौलिक कथा। एवं द्वितीय कथा होची जे पंचायत निर्वाचन रो फलाफल जहाँ हबो ताही साधारण निर्वाचन रे प्रतिफलित हबो ता मध्ये अनेक समय रे हेइ नथाय संभव हेइ नथाय। सुतरां 2017 रे कांग्रेस तृतीय स्थान रे थिला बोली आ 2022 रे तृतीय स्थान रे रहिबो ये आकलन सहित एकमत नुहे। ठीक अछि गणेश्वर आपन पाखु फेरिबी जे जो को आधार रे आपन ए युक्ति रखुचोंदी सेइटा मध्ये आमे परवर्ती समय रे जानै को चेष्टा करिवु जे आधार कोन को आधार रे आपन कहउचोंदी जे पंचायत निर्वाचन फलाफल रिफ्लेक्शन देखा मिलवन जी सीधा सड़क संजय जेना पाखक जी जाना चाहिए। संजय बाबू 2017 जिला परिषद फलाफल आम देखी जितेबाला कांग्रेस अति सांघातिक अवस्था होगला और परवर्त साधारण निर्वाचन में तार रिफ्लेक्शन आमको देखा मिलता। तो बर्तमान जो पंचायत निर्वाचन होगा जाऊँगी कांग्रेस फलाफल जहाँ रही ता आगामी साधारण निर्वाचन रिफ्लेक्शन हम कि तार देखु लालमोहन बाबू मु गणेश्वर बाबू को सहित गोटे कथा बिल्कुल सहमत गणतंत्र रे जी जीतिला सेटा आर थर से स्थिर रहिबो किछि जरूरी ना ओलटी पारे ये गणतंत्र नियम लोकमतटा सबुबेले स्थिर न थाए लोकमत केतेबेले कौन हम जो शब्द रे गणेश्वर बाबू कहते क्षण क्षण रे आन एथिरे मु बिल्कुल सहमत। किंतु जो विषय होउची कांग्रेस रो ओडिसा रे जो स्थिति ये 95 मसीहा परठु 2004 रे तो आलायंस थिला 2009-14-19 ता भितरे 17 रो पंचायत निर्वाचन आ 19 परे किछि उपनिर्वाचन ये इंगित करूची कोठी ना कोठी कांग्रेस जो ओडिशा रे रिवाइव करबा कथा 2019 पर्यंत चेष्टा करिकी रिवाइव करिनी। हाँ बीजेडी तो तार दबदबा रखिची किंतु तृतीय स्थान रु बीजेपी द्वितीय स्थान को जाइची तेणु ये जो ट्रेंड कहुची कांग्रेस क्रमगत भाव रे कमी कमी आसुची बीजेपी जेतिकी बढ़ुची बीजेपी को बीजेडी को हरेबा पाई सेटा जथेष्ट नुहे। किंतु आ भितरे सबुठू बड़ घटना होउची कांग्रेस रो स्थिति
कमी कमी जाऊची ये लगातार हेई हेई आसुची तेणु ये तो ट्रेंड कौच परिवर्तन हबनी एमती कथा ना किंतु जो गत किछि वर्षर कांग्रेस जो परफॉर्मेंस रही बाय इलेक्शन मानक ये इंडिकेशन कौटी की दौनी केवल तीर्तोल छाड़ा पर आउ कौटी 5% भोट को ऊपर को उठवा कांग्रेस जदि स्थिति रोनी लगुची कांग्रेस स्थिति कौटी खराब हो ये जो निर्वाचन हम जिला परिषद सिंबल रे हम सी ता मोहर लगे कांग्रेस रिभाइव करुच्च ना कांग्रेस तल को जा राइट कांग्रेस तल को जा कांग्रेस रिभाइज कर गणेश बाबू आप पूर्व रिजल्ट को आप देखुना विगत दिन में कांग्रेस परफॉर्मेंस जहाँ रही आपको आधार को नौकर तो से आधार कौन तो पूर्व रिजल्ट को देखे ना किपरि पूर्व रिजल्ट को देखा ताको निरीक्ष देखा एवं ताको तर्जमा कर तदनुजाई मान गतिपथ संशोधन कर निर्वाचन को जी गोटे राजनैतिक दलर कर्तव्य से बाबद मुझ सचेतन प्रथम कथाटी हूँ जे यह सत्य जा श्रीजुक्त जेना महोदय कहते जे आम किछि दिन धरी आमर मान निम्नमुखी अभियान हो स्वीकार कर सत्य या अस्वीकार करवाटा हूँ अपराध मुझे अस्वीकार करूना किंतु आमर को आधार रे भल कर प्रश्न ताल तार गोटे उत्तर जे वर्तमान तीनोटी दल परस्पर विरुद्ध प्रतिद्वंदिता करिवे एवं बीजेडी सामनारे बीजेपी कांग्रेस बीजेपी सामनारे बीजेडी कांग्रेस एवं कांग्रेस सामनारे बीजेपी आउ बीजेडी ये दुईटी होउछते शासक दल गोटे केन्द्र रे बीजेपी आउ अन्यटी राज्य रे बीजेडी उभय दलंकर जा सब कार्यक्रम रही प्रसंग हम मु आपको उदाहरण स्वरूप कहवापी चाहे सीमित समय मु जाने ता सत्य कहवाप चाहे उभय केन्द्र एवं राज्य सरकार ये राज्यवासी को प्रतारित केंद्र सरकार महंगा माड़ द्वारा लोक को आघात केंद्र सरकार ओडिशा प्रति यथोचित तो ध्यान नदे अनेक क्षेत्र में अवहेला कर दुई वर्ष है ये प्रधानमंत्री घर योजना कार्यकारी करलवाई क्षेत्र में गत दुई वर्ष है आम गोटे ओलटा अभियान देखु प्रसंग कर निर्वाचन को ओलाउंक प्रसंग कर देखिले सुरत विश्वाल बीजेपी ओबीसी मोर्चा राज्य सभापति सुरत बाबू कांग्रेस वर्तमान आ प्रासंगिकता हर भाव मन हो तार प्रासंगिकता रही कि नहीं बर्तमान सन्देह करे जदि विगत दिन फलाफल को आम देखा 2017 जिला परिषद फलाफल को देखा परवर्त साधारण निर्वाचन फलाफल को देखा एभली स्थिति कांग्रेस जो प्रसंग नहीं निर्वाचन को ओह्लाउे आपन को लगुच तार पूर्व जो गारिमा रही कांग्रेस से फेरी पाइब निर्वाचन में कथा कांग्रेस दल संपर्क मु न कहिले भल एटा गणेश्वर बाबू को भी ओडिशा जनसाधारण को भी जड़ा अच्छी कांग्रेस दल प्रतिदिन लोक मान विश्वास जितबारे केते सफल हो गणेश बाबू गोटे कथा कहले पंचायत निर्वाचन में जो फलाफल आसब ताजे साधारण निर्वाचन हम यार कौन सी माने ना जदि एक्जाक्टली से नुहे किंतु तार माने भी किछ अछि गत पंचायत निर्वाचन कथा आपण जो कहिले जोठी प्रथमे बीजेपी मुख्य विरोधी दलर भूमिकार अवतीर्ण हैला तार प्रभाव 19 मसिया जनरल इलेक्शन आपण देखिले बीजेपी 90 लक्ष भोट पाइबारे सफल हैला शासक विजु जनता दल जोठी कोटिए 10 लक्ष पाइला बीजेपी 91 लक्ष भोट पाइला तेणु तार किछि प्रभाव नै तार लोक मतर समर्थन केते बढ़ुची कबुची किछि निर्णायक कथा सेतरे जड़ा पड़े एवं एत परिश्रम करते कार्यक्रम हाथ को लेकर भी आम हर समर्थ
ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରୋଧ ନ କରିଥିବାରୁ ନେତା ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରେଇଥିବାରୁ ଆଜି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ 100 ବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅବସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଏଭଳି ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ଗରିବୀ ବଢ଼ିଛି, ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି, 22 ବର୍ଷର ସରକାର ପାଖରେ ତାଲିକା ନାହିଁ, ଗରିବର ନାହିଁ, ଭାଗ ଚାଷୀର ନାହିଁ, କାହା କେଉଁ ତାଲିକା ନାହିଁ, ଓବିସିଙ୍କ ତାଲିକା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ବିରୋଧ କଲା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା, ଏଇଟା ତଳ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଶାସକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି, ଅନିୟମିତତା କରାହେଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନରେ ହେଉ, ପାଇଖାନା ପଇସା ପାଇବାରେ ହେଉ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ହେଉ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆମେ ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ସମର୍ଥନ ସେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଗତ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ପାଇବ, ଇଏ ଅନୁଭବ ଆମର ହେଉଛି। କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ଅରାଜକତାର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେବେ ହାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େ ନାହିଁ। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ତାଙ୍କର ହଉ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ହଉ କି ବିଜେଡି ହଉ କି ବିଜେପି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ କାହା ପରେ ମୋର ମାରିବେ, କିଏ ବାଜି ମାରିବ ସେଇଟା ଜନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, 95 ମସିହାରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ବିଜେପି ଯେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସେଇ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ତା ହରାଇ ସାରିଲାଣି, ଆହୁରି ହରାଇବ ଏବଂ ଏହାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ 2024ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଲାଲମୋହନ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସକ ଦଳ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି, 1 ନମ୍ବର ଦଳ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି, ଲଗାତାର ଜିତିକି ଆସୁଛି ବିଜେଡ଼ି, ଇଏ ସତ୍ୟ। ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି, ଇଏ ଉଭୟ ହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦଳ, ଏମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଯଦି ବଢ଼ିବ, ରାଜ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢ଼ିବ। ଯଦି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ, ତା'ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ମୋର ମାନେ ବିଚାରରେ 4ରୁ 14 କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ 2004 ଆଉ 2014ରେ ଯେଉଁ ବସ୍ କଂଗ୍ରେସ ମିସ୍ କରିଲା, ସେଇଟା 2017-2019ରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ବୋଧହୁଏ ହେଲା। ଆଜି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରର କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରିଭାଇଭ୍ କରିବ, ଯଦି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତା ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ତା'ର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କେଉଁଠି ତ ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନର ଫଳ ଆଧାରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କିଏ ବଡ଼ କରିକି ନେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ପୋଜିସନକୁ ଆସିବ। ସେଠି ବିଜେପିର ଲଢ଼େଇ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଦେଶରେ ରିଭାଇଭ୍ କରୁନି, ବଢ଼ୁନି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢ଼ୁନି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ସେ ଦଳ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଦଳକୁ ତ 3 ଗୁଣ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଘର୍ଷ, ଦୁଇଟା ଦେଖାଯାଉନି। ଯଦି ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ 3 ନମ୍ବର ଦଳ ହୋଇସାରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବ, ଏଇଟା 24 ମସିହା ଆଡ଼କୁ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, 24 ମସିହା ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯେ ବିଜେପିର ବିଗତ ଦିନରେ ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିଛି,
आसन संख्या बढ़ी पूर्व निर्वाचन यह प्रमाण हो सारी तो एबेकार जिला पंचायत निर्वाचन में बीजेपी रोल कौन बीजेपी केते दूर जन आदृति पाई एवं आगु यार रिफ्लेक्शन 2024 रे कौन पड़ो ए संपर्क आलोचना करिबा ए छोटिया ब्रेक पर ब्रेक पर प्रश्न काल को पुणि थर आपको स्वागत करी गणेश बाबू पाक गणेश बाबू जी आपण जो कथा कहते जे भोट प्रतिशत बढ़ी पारे आपणकर स्थिति सुदृढ़ हो पारे किंतु केन्द्र रे आपणकर नेतृत्व सेमती दबदबा ना प्रथम प्रश्न द्वितीय प्रश्न हूँ जदि कांग्रेस रो सत्ता न रहे कांग्रेस जदि से सफल प्रदर्शन न करि पारे तबे द्विमुखी लड़ी आड़ राज्य निर्वाचन जीव पंचायत निर्वाचन या आप कमी देखुं मु भावते आपण एते मात्रे एकदेशदर्शी होती जहाँफल गोटे निरपेक्ष आलोचनार परेशा आप नष्ट कर दौंटा हूँ दुर्भाग्य कांग्रेस स्थिति हरा कांग्रेस दबदबा ना कांग्रेस अस्तित्व हरा केवल यही कथा को पुनरावृत्ति करते आत्मप्रसाद कहीं लाभ कर आपण निरपेक्ष भाव आप प्रश्न करेंगे प्रश्न तिक्त हो पारे कटु हो पारे कसा हो पारे आम प्रस्तुत अच्छु किंतु आपड़ एकदशदर्शी हवा उचित नुहे द्वितीय आपण प्रश्न उत्तर रखुचे आपण भविष्यवाणी करते कांग्रेस दबदबा हरा आपण जदि दबदबा हराए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हूँ राष्ट्रीय दल यथार्थ संजय बाबू कहते जे जातीय स्तर रे जातीय नेतांकर लोकप्रियता ग्रहणीयता जदि बढ़े तार प्रभाव रे राज्य उपकृत हम आपन को मु आपन जोड़िए उदाहरण दौर कांग्रेस जदि जातीय स्तर रे स्थिति हराउथांता ताले हिमाचल प्रदेश रे बीजेपी को पराजित करी कांग्रेस जिणिला कि परी जो मंडी लोकसभा आसन रे 392,000 वोट रे पराजित होइतला 2019 मसीहा मे मास लोकसभा निर्वाचन रे 2021 अक्टोबर से पराजित कर 7,000 जीतला किपरि अर्थात 4,00,000 वोटर व्यवधान संभव होगा किपरि एवं द्वितीय सद्य समापित कर्णाटक जो आमर अर्बन बॉडी इलेक्शन रे सेठी बीजेपी तो शासनाधीन अच्छी कांग्रेस विरोधी दल रे सेठी ताकू पचर पक कांग्रेस एक नंबर स्थान रहा किपरि तेणु मु कहली प्रत्येक विजय गर्भरे पराजय अछि प्रत्येक पराजय गर्भरे विजय अछि राइट राइट गणेश बाबू ठीक अछि विजय गर्भरे पराजय अछि पराजय गर्भरे विजय अछि जनता जनार्दन निश्चित भाबे डिसाइड करिवे कथा सुरत बाबू आपण देखुछन कि जे द्विमुखी लड़ई भितरे बीजेपी रो पल्ला भारी रहइबो बीजेपी निर्वाचन रणनीति रे ऊपर को जीव समीकरण बदलिबो एवं राज्य रे बीजेपी जी संख्यक जी परसेंटेज वोट पाँच ताटू अधिक मिल लोक समर्थन पाइबार सफल हो कथा मुझको मन पक कहीं लोक आमको समर्थन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जो गरीब कल्याण योजना गरीबों पर ये सरकार समर्पित ये जो प्रतिबद्धता एवं कोविड समय मुकाबला कोविड मुकाबला कला बेले देशर 135 कोटी लोक को कौन सी असुविधा किभली न हो से टीकाकरण हो से वैक्सीनेशन आपणकर जो पीपी किट हो जो अन्न योजना हो भत्ता डायरेक्ट लोक आकाउंट रे पैसा पहुँचवा हो जो कथा बा केंद्रीय योजना अन्यान ताकु राज्य सरकार जो भाव में केंद्रीय योजना को बाट बण करने को उद्यम कर हिताधिकारी चयन अव्यवस्था करे कि भाव में एक्सपोज कर गरीब लोक को न्याय देवा पाई किए के संग्राम कर गाँव थिबा पंचायत रे थिबा जनता देखुची जे कौ कौ अव्यवस्था को शासक दलर कौ राजनीतिक दल किभली भाव में विरोध करी बा न्याय देवा पाई चेष्टा करी मु आशावादी भारतीय जनता पार्टी एक क्षेत्र में निरवच्छिन्न भाव में राज्य सरकार अनियमितता अव्यवस्था एवं जो दलियों भितर कार्य विरोध कर एक्सपोज करी जोटा कांग्रेस दल करना तेणु मु आशावादी यही कारण जनता जो मैंने बीजेडी अत्याचार अत्याचारित जो मैंने बीजेडी सरकार कार्य असंतुष्ट
स्वाभाविक भाव में भारतीय जनता पार्टी सहित जोड़ी हे मोदी नेतृत्व को देखिए राज्य नेतृत्व को देखिए तल स्तर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गरीबों पर जो संग्राम करुच्ची से कथा को देखकर भारतीय जनता पार्टी सागर सामिल हे प्रार्थी को समर्थन करेंगे। गोटे कथा रोचे आप केन्द्र योजना कथा देखते आप प्रधानमंत्री आवास योजना कथा देखु प्रधानमंत्री जेकोसी योजना को देखु से राज्य सरकार केतक योजन योजना को निज ना कर हाथ चेस्टा कर अभोग मान आसूँ बीजेपी यह मुदा कर लोकों पाखक जाऊरी स्थित बीजेपी रही प्रसंग गुड़िक भोट हाथ केते सहयोग करेंगे। देखु गणेश्वर बाबू गोटे विषय उठेले मुझे से विषय को आसबि तापर आपण प्रश्न को आसबि गणेश्वर बाबू जो कथा कहते मु मोटामोटी से सहमत जे वितर्क पृष्ठभूमि ठीक रहा दरकार जो विषय विषय आसला जे ओडिशा रे दीर्घ 22 वर्ष धरी गोटे सरकार चलुची ता विरुद्ध आंटी इनकमबेंसी जो विरुद्ध मत आपको तैयारी करिबार दायित्व तो ओडिशा रे कांग्रेस आउ बीजेपी रो देश रे गोटे सरकार चललानी 7 वर्ष चललानी 7 वर्ष रु अधिका चललानी मनमोहन सिंह को सरकार जेतेबेले 8 वर्ष को आसिला ता विरुद्ध गोटे आंटी इनकमबेंसी मूड तैयारी करिबा बीजेपी गोटे प्रमुख भूमिका नेला गोटे कथा ओडिशा रे मानिबा पई पड़िबो ओडिशा रे विरोधी दल माने जी सरकार अच्छी विरुद्ध जनमत तैयारी करने लोकों जो समस्या अच्छी लोकों पाख को लेकिन भोट्रे कन्वर्ट कर गोटे विफलता तो देखा दे विफलतार रिफ्लेक्शन टा लालमोहन बाबू एथेरे दुई दल थिले गोटे दल दुई नंबर थिला से तीन नंबर को जाइछि जे तीन नंबर थिला दुई नंबर को जाइछि ये तो ओडिशा राजनीतिर सत आ ये जो परिवर्तन रो संभावना 22 वर्ष भितर कहीं आंटी इनकमबेंसी रो फायदा विरोधी दल माने नेकि परिवर्तन करि पारिले नाही ये प्रश्न उभय कांग्रेस आउ बीजेपी बाहर करिवार आ ओडिशा लोक मानक आग्रे तार कारण रो तर्जमा से माने तो करिवार आवश्यकता अछि। भारत रे ओडिशा रे कोन एते भलो काम होउछि लोक माने खुशी अछन्ति जदि खुशी अछन्ति निश्चित भाव रे तांकु भोट दौथिबे तेणु ए कथा रे जे ओडिशा सरकार लोक मानकर एतिकी मंगल करुची तांकर विरुद्ध रे जनमत तयारी होउनी ना जेतिकी मात्रा रे विरोध करा जिबा कथा लोकंको इशू उठेबा कथा सेइटा उठेबारे कोठी ना कोठी विरोध दल माने विफल होइचंती ये बारंबार निर्वाचन रे प्रतिफलित हेछि आर आत्मसमीक्षा तो कोठी ना कोठी हबार आवश्यकता अछि। गणेश बाबू भई आत्मसमीक्षा आपण करुचंती जे आपण लोकंको प्रसंग जेतिकी उठेबा कथा उठेइ पारि नांदी वायर एज बीजेपी जेतिक उठेबा कथा उठे पारिछि आपण लोकों विश्वास मत जितिबारे असफल होइचंती लोकों कथा उठे पारि नांदी सरकार को घेरी पारि नांदी आंटी इनकमबेंसी फैक्टर टाकु आपण वोट रे परिवर्तन करि पारि नांदी आकु आपण ग्रहण करिवे। हाँ निश्चय एटा मु आपण सहित एकमत श्रीयुक्त सम्मान्य संजय बाबू सहित मु सहमत जे जो सत्ता विरोधी जो कार्यक्रम सत्ता विरोधी जो परिवेश तार फायदा उठेबारे विरोधी दल विशेषकर मु आम कथा कह बीजेपी कथा कह चाहे ना तांकर मुखपात्र अच्छा से विषय कहे मुझे स्वीकार करुच्ची जे कांग्रेस ता करिबारे सक्षम होना जहा फल लोके कांग्रेस को एक विश्वसनीय विकल्प भाव वर्तमान सुधा विचार करना यटा को मु स्वीकार करी मुक्त कंठ रे जेते अप्रिय हेले ताको ग्रहण करी आपण को सामना ये मौलिक कथा एवं द्वितीय कथाटे होटा है ना किंतु हम ना जदि कई भावु था सहित दिमत हो आम से शिक्षा लाभ करुचु आरोप बड़ असुविधा कौन आनी सब कथा तो आपण सामने बा गणमाध्यम चर्चा हो पार ना किंतु जे किसी चर्चा हम ना मुझे कहे ना आमर बड़ असुविधा हो आम जी भल कम करुचु आमर गोटे दुर्बलता से आमर समस्त भल कार्य को ढांकी दौर तेणु से क्षतिर कारण हो जो क्षेत्र आम अंतर्द्वंदटा आभ्यंतरण कंदलटा सी अनेक समय दांडर पड़ी हाटर गड़ुच्छी
जोटा कि आम उपर प्रभूत क्षति करुच्छे आम चेष्टा करुचु एवं से तर्जमारू आम यही निष्कर्ष पहुँचीचु अंचकंदर अवसान न घटले कांग्रेस केबे तार हूत गौरव फेराई पारना आम सचेतन एवं तदनुदायी कार्य करने आम प्रतिज्ञाबद्ध आमर आशा ये जे उभय शासक दल ये कहले गरीब कल्याण कार्यक्रम कर वर्ष है प्रधानमंत्री आवास योजना ओडिशार बंद हो कहीं कहले गरीब कल्याण पर सरकार दरद अच्छी प्रधानमंत्री ताल चाषी मैंने ए 14 मास काल बसी रहिले काई कि सुरत बाबू क्विकली आपन को रिएक्शन ने सुरत बाबू क्विकली सुरत बाबू देशर हित चिंता करूछु ताले देश बाबू सुरत बाबू क्विकली आपन को रिएक्शन ने भी कहि बारे आदौ आपत्ति नाही 60 वर्षर कांग्रेस दल ओडिसा को जहा दे नथिला 7 वर्षर बीजेपी से कथा दबारे समर्थ हेजी ओडिसा जति कि दाबी करे ताठो अधिक दिए जो सरकार से होची मोदी सरकार ये केन्द्र विरोधी नारा ओडिशा रे बर्तमान बंद हो जाइछ जहां ओडिशा चाहुनी बा चाही नाही ताठो अधिक दैछि उत्तर दबा पाए उभय शासक बीजेपी एवं शासक बीजेपी वर्तमान काठो गोडारे कांग्रेस ए विश्वास नै लोकन को जो जो एवं ए निर्वाचन विशेषत्व को आप देश स्तर भाग लोक को प्रति विचुद होची सब विचार करा दे पछै नै संग्रहण उचित करा दे 5000 घर नियो 10000 घर नियो संजय बोल हमर समय बहुत कम होची हमर आगे समय बहुत कम होची संजय बोल लास्ट कमेंट निश्चित भाव रे ये वितर्क जेते बळे हबो लोक माने चॉइस करिबा पई का पक्ष रे जिबे गणतंत्र रे जेति कि करिवो जेति कि गुरुत्वपूर्ण तांकु लोकों को बुझेबा पई किए सफल हैला ताठु बेसी गुरुत्वपूर्ण हुए तो 22 वर्ष रे बीजेडी करिचि न करिचि से तो वितर्कर विषय किंतु लोकों को बुझेबा पई सफल हेछि बीजेडी को वोट दियो आ भितरे उभय बीजेपी 2 नंबर को जाई कांग्रेस 2 नंबर 3 नंबर को जाई लोक को किए बुझेबापी सफल हम ताऊपर ही निर्भर कर लोक केते भरोसा करेंगे एवं परवर्ती निर्वाचन में जमापड़ जनता जनार्दन मतदान ही सबकि स्पष्ट उत्तर मिल पार दर्शक बंधु प्रश्नकाल को ये शेष करवा विदाय दिंतु नमस्कार।